हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाड़ी ज्ञान के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 फ्लॉप कार्स की लिस्ट बाय मारुति सुजुकी। वैसे तो मारुति सुजुकी मोटर्स भारतीय बाजार में सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की कुछ फ्लॉप गाड़ियां होती हैं, और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जहां पर हम आपको बताएंगे मारुति सुजुकी की कुछ फ्लॉप गाड़ियों की लिस्ट। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार मेक श्योर गाड़ी ज्ञानन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, जो पहली गाड़ी है वो है दोस्तों, इस लिस्ट में आती है, वो है मारुति सुजुकी की किजाशी। अक्सर मारुति सुजुकी अपनी सस्ती गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है और ये काफ़ी वैल्यू गाड़ियां देती हैं, लेकिन फरवरी 2011 में मारुति सुजुकी ने एक ऐसी गाड़ी को पेश किया जो कि एक स्पोर्ट प्रीमियम सेडान थी, और ये गाड़ी काफ़ी हाई क्वालिटी की सेडान गाड़ी थी। गाड़ी के अंदर 2.4 लीटर का J24V14 इंजन आता था, और ये गाड़ी पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों वेरिएंट में उपलब्ध थी। ये गाड़ी पावर जनरेट करती थी 175 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 230 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोस्तों, यहाँ पर इस गाड़ी की कीमत शुरू होती थी 15 लाख रुपए से, और टॉप मॉडल की जाती थी 17 लाख रुपए तक। इसकी जो कीमत थी, यही इसकी फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह बनी। 2011 के समय में आपको 10 से 12 लाख रुपए में होंडा सिटी और हुंडई वर्ना जैसी शानदार गाड़ियाँ मिल जाती थी, जिसके वजह से कोई भी इस गाड़ी को नहीं पूछा। यहाँ तक कि इसकी ये हाल हो चुकी थी कि 2014 आते थे इस गाड़ियों की इतनी पुअर सेल्स रेट रही भारत के बाजार में कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, और ये भारत के इतिहास में कुछ ऐसी गाड़ियों में से एक है जिसकी आज तक सबसे कम सेल्स रेट हुई हो। नंबर दूसरी गाड़ी दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी का जेन स्टेलियो। दोस्तों, 2006 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और इस गाड़ी का लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि पुरानी सेकेंड जनरेशन जेन को रिप्लेस कर सके। दोस्तों, ये गाड़ी डिज़ाइन वैसे एक वैगन डिज़ाइन थी जैसे कि वैगन आर आती है, लेकिन इस गाड़ी का यही डिज़ाइन इसके लिए घातक साबित हुआ। ये गाड़ी सीधा कॉम्पिटिट करी वैगन आर के साथ। गाड़ी में आपको 1 लीटर का पेट्रोल और CNG इंजन आता था। ये इंजन पावर जनरेट करता था 64 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 84 न्यूटन मीटर टॉर्क। गाड़ी में 20 से लेकर 27 तक का इसमें माइलेज देखने को आपको मिल जा रहा था। यहाँ पर इस गाड़ी की कीमत काफ़ी अच्छी थी, 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम बन गया है इसका कॉम्पिटिटर, इसका भाई वैगनार, जिसकी वजह से जब ये ऑप्शन चूज़ की बारी आई तो लोगों ने वैगनार को चूज़ किया, ना कि इसको चूज़ किया। तो सेक्स सेगमेंट की गाड़ी होने के कारण ये गाड़ी काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई मारुति सुजुकी की तरफ से। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर तीसरी गाड़ी की बात की जाए तो ये है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। दोस्तों, ये गाड़ी ऑफिशियली नेक्सा की तरफ से 2015 में भारतीय बाजार में लॉन्च की गई थी, और सुजुकी कहती है ये गाड़ी उनकी प्रीमियम नेक्सा सीरीज की गाड़ी है। ये गाड़ी दोस्तों सीधा कॉम्पिटिशन दी मार्केट में लॉन्च होते ही ब्रीजा के साथ, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी आज भी बिकती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रीजा को कॉम्पिटिट नहीं कर पाती है। इस गाड़ी में आता है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 103.2 bhp का, और गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में रखी गई है। लेकिन इस सेगमेंट पे इतनी गाड़ियां आ गई भारतीय बाजार में कि ये गाड़ी इस कंपटीशन को नहीं सरवाइव कर पा रही है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करें इस सेगमेंट में, आपका नेक्सॉन आ जा रही है, XUV300 आ जा रही है, ब्रीजा खुद इसको कड़ी कॉम्पिटिशन देती है, जिसके कारण ये गाड़ी की सेल्स उतनी नहीं मिलती है जितनी इसको डिजर्व करती है। ये गाड़ी जो ब्रीजा के मुकाबले ज़्यादा साइलेंट है। लेकिन यहाँ पर बात क्या करें तो यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ये बात अलग है। तो इसके वजह से हम इसे एक यहाँ पर अंडररेटेड कार भी कह सकते हैं, फ्लॉप कहने से थोड़ा सा पीछे रहेंगे हम इसे। अब दोस्तों बात करें अपने लिस्ट में नंबर चौथी गाड़ी, तो ये है मारुति सुजुकी की S4। दोस्तों, ये गाड़ी इतनी कमाल की गाड़ी थी मारुति सुजुकी की, लेकिन ये इंडिया के ग्राहकों को नहीं पसंद आई। अगर हम बात कर लें, ये गाड़ी सिर्फ डिज़ायर की कीमत पे आती थी, जहां पर इस गाड़ी को सबसे पहले 2007 में लॉन्च किया गया और 2013 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। दोस्तों, ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल, CNG तीनों ही मॉडल्स में उपलब्ध थी। दोस्तों, इसकी डिज़ाइन की बात करें तो उस समय अगर हम स्विफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो स्विफ्ट के मुकाबले इसकी जो डिज़ाइन काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज लोगों को स्विफ्ट डिज़ायर का समझ आ रहा था। तो यहाँ पर ये इसका एक मेन रीज़न है कि ये फ्लॉप हो गई। यहाँ पर इस गाड़ी में तीन प्रकार के इंजन आते थे। पहला है 1.3 लीटर का डीजल इंजन जो कि स्विफ्ट में देखने को मिलता था पुराने वाली, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का CNG इंजन। दोस्तों, ये गाड़ी मैक्सिमम पावर 103.2 bhp का जनरेट करती थी विद टॉर्क ऑफ 140 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यहाँ पर गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में रखी जाती थी जो कि रीजनेबल प्राइस थी। लेकिन इस गाड़ी को कंपटीशन मिला इसी के भाई स्विफ्ट डिज़ायर के साथ, जैसे कारण स्विफ्ट डिज़ायर लोगों ने छाटा और इसको नहीं छाटा। यहाँ पर मारुति सुजुकी कहना है कि ये गाड़ी उन्होंने इसलिए ड्रॉबैक की क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऑड था। और आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सेल्स रेट ख़राब होने के कारण ये गाड़ी फ्लॉप साबित हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5वें गाड़ी की।
दोस्तों एक समय मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी मिनी वैन वर्सा को उतारा था। दोस्तों ये गाड़ी यहाँ मैं बता दूँ आपको, इस गाड़ी को सबसे पहले 2007 में लॉन्च किया गया था और लगभग 2009 आते आते इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसका बहुत से प्रीवियस मॉडल्स भी आते थे, लेकिन अब इसका जो सक्सेसर है वो है ईको। यहाँ पर इस गाड़ी में 14 वेरियंट्स आते थे जिनमें आता था 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन। इस मॉडल की एक खराबी थी कि इसका एवरेज काफ़ी कम आता था, लगभग 12 तक का ये गाड़ी माइलेज निकाल देती थी, जिसके कारण इस कंपनी को इसे बंद करना पड़ा क्योंकि एक कमर्शियल व्हीकल थी। गाड़ी में 5 लोगों के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती थी और ये गाड़ी लगभग कह लें तो 2014 आते आते कंपनी को इसकी खराब सेल्स रेट होने के नाते इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मारुति सुजुकी वर्सा को हम कह लें तो आज का ये मारुति सुजुकी ईको है जिसको यहाँ पर कंपनी ने रिप्लेस करके लाया और ईको में थोड़ी सी डिज़ाइन में चेंजेस करके इसे एक परफेक्ट कमर्शियल कार बना दिया। वैसे वर्सा तो थी, दोस्तों बात करें ना, ये एक परफेक्ट मिनी वैन लगती थी, लेकिन ईको एक वैन लगती है। आपको कैसी लगी आज की वीडियो? इन पाँचों गाड़ियों के बारे में आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गाड़ी ज्ञानन को। आपका जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।